2 सितंबर से शुरू होने वाले संचारी रोग दस्तक अभियान व आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के क्रियान्वयन व प्रगति को गुरुवार को प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में CDO अनुज सिंह, CMO डॉक्टर SK तिवारी, CMS डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक बनाए गए पात्र लाभार्थियों की संख्या तथा उनके उपचार के संबंध में जानकारी हासिल की तथा 2 सितंबर से शुरू होने वाले संचारी रोग अभियान की सफलता के निर्देश दिए। ये सब चीजें कॉर्पोरेशन के पास उपलब्ध नहीं है, अभी आने में समय है, तो आप सभी जनपदों को 1-1 लाख का बजट रिलीज कर दिया गया है। आप उसको जैम पोर्टल पे या लोकल टीम प्रोडक्शन से खरीद लीजिए, परंतु चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आने में समय लग रहा है तो कुछ मात्रा में हमारे पास भी है मुख्यालय पर, आप उसको मंगा लीजिए। उसके अलावा अगर केसेस ज्यादा स्वाइन फ्लू के निकलने लगेंगे तो चिकित्सालयों में अलग से OPD वार्ड करा दीजिएगा। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सभी कर्मचारियों का जो कि उन मरीजों को देखने के लिए इन्वॉल्व है, RRT टीम का, एम्बुलेंस टीम का वैक्सीनेशन, पैथोलॉजी वालों का वैक्सीनेशन और जो स्वाइन फ्लू वार्ड है उनके लोगों का वैक्सीनेशन जरूर करा लीजिए। वैक्सीन आपके पास नहीं है तो थोड़ा हमारे पास है, आप मंगवा लीजिए, बाकी कॉर्पोरेशन खरीद के हम लोगों को वैक्सीन दे रहा है। परंतु आपकी सतर्कता से वो रुक सकता है, थोड़ी सी मेहनत करिए। जहाँ डेंगू के केस ज्यादा निकल रहे हैं तो जहाँ उन जिलों का डेंगू और डेंगू का समय बढ़ रही है। सीतापुर में पिछले साल अभी तक 5 नए केसेस थे, इस बार सीतापुर में 8 जे केसेस हो गए हैं, इस पर ध्यान दीजिए। कुशीनगर में बढ़ रही है जेई के केसेस। अपनी रिपोर्ट को शाम 2 महीने सतर्क हो जाइए कि शाम को आप रिपोर्ट देख लें। जेई है कि जिस घर में जो केस निकला उसके आगे 50 घर अगल बगल जाके बुखार ढूंढ लीजिए। उस सिम्टम का कोई पेशेंट है तो उसको ट्रीटमेंट देंगे, तो ये केसेस हमको मुश्किल में डालेंगे। और जेई की वजह से अगर पिछले साल में पड़े तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो प्रायोरिटी का प्रोग्राम है इसमें हम लोगों को जवाब